हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि हमने संसद का MCQ वाला पार्ट चालू किया था, तो आज ये उसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने 12 क्वेश्चन वाला वीडियो कल कवर किया था, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ आपको डिटेल में भी बताई थी। आज के वीडियो में भी हम संसद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आज एक आखिरी में रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ अच्छे से समझ जाएंगे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो आप वीडियो को सबसे आखिरी तक, जहाँ तक क्वेश्चन है वहाँ तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा, जैसे कि बहुत से हमारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें पूरा हमारे टेस्ट सीरीज लगभग जो है 1.5 महीना हो चुका है चलते हुए, तो आज से उसमें फुल लेंथ टेस्ट चालू हुआ है। यानी जो CGPSC प्री का जो पेपर 1 होता है उसके पूरे सब्जेक्ट कवर करके आज से टेस्ट सीरीज चालू है। तो अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसको कर सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में आपको पिछले के जितने टेस्ट आप वो भी दे सकते हैं, और अगर ऑफलाइन टेस्ट देना है, यानी कि आपको केवल पेपर डाउनलोड करके उसका टेस्ट देना है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहाँ से जो है पेपर वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए जो भी आपको पेमेंट है वहाँ पर लिखा होगा, तो आप उसको देख के पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तभी कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का पाठ, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघीय बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। तो इसमें पूछा है, बजट के बारे में पूछा है कि कौन से उसके ऑप्शन सही हैं। पहला बोला है, संविधान में बजट शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है। दूसरा बोला है, राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। और तीसरा बोला है, बजट कब पेश होगा इसकी तिथि राष्ट्रपति तय करता है। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर अपना आंसर जो है, जो भी आपको लग रहा है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। तो पहला बोला, जैसे कि संविधान में बजट शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं, बिल्कुल सही है। बजट शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है, बल्कि बजट के बदले हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। तो यानी बजट शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट बोला, राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, जब बजट पेश होता है तो उसमें जो है दो तरीके की अनुदान की मांग होती है। एक होती है मुख्य रूप से जो होती है, एक सामान्य बजट संबंधित होती है और एक रेल बजट से संबंधित होती है। तो अब क्योंकि सामान्य बजट और रेल बजट एक ही हो गया है, तो मुख्य रूप से सामान्य बजट में जो था 103 मांग जो होती थी वो सामान्य लोगों से संबंधित होती थी, जबकि 6 अनुदान की मांग जो होती थी वो सैन्य खर्च से संबंधित होती थी। यानी सामान्य बजट में कुल 109 अनुदान की मांग होती है, जबकि जो हमारा दूसरा रेल बजट होता था उसमें 32 अनुदान की मांग होती। तो अगर अब दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो टोटल 141 अनुदान की मांग होती है। यानी 141 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पैसों की ज़रूरत होती है, तो अनुदान की मांग पैसों से रिलेटेड है। यानी 141 सब्जेक्ट में पैसों की ज़रूरत होती है, तो पूरी अनुदान की मांग के लिए जो वोटिंग होती है वो लोकसभा में होती है। राज्यसभा को अनुदान की मांग पर वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी के लिए जो सेकंड पॉइंट बोला है कि राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, ये सही है। और तीसरा बोला है, बजट कब पेश होगा इसकी तिथि राष्ट्रपति तय करता है, ये भी बिल्कुल सही है कि बजट किस दिन पेश होता है उसकी भी तिथि राष्ट्रपति ही तय करेगा। तो इसका आंसर होगा D, 1, 2 और 3। तो राष्ट्रपति बजट की तारीख तय करता है। बहुत से लोगों को इसमें डाउट भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये बजट संबंधित प्रक्रिया है, जिसका तीसरा पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। लोकसभा में बजट राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित दिन को ही प्रस्तुत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो तारीख तय करता है उसी दिन बजट प्रस्तुत होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अभी ये PSC का कोई हाल ही में पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमिलित है, यानी आर्टिकल 75 में क्या क्या चीज़ बताई गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी किया था। पहला बोला है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। दूसरा बोला है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा बोला है, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। और फोर्थ बोला है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय में नहीं की जा सकती। तो आप अपना आंसर इसमें नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है संविधान के अनुच्छेद 75 में जो है तीन चीज़ें मुख्य रूप से बताई गई हैं,
जो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला है मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ये दिया हुआ है। सेकंड है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक मंत्रिपरिषद बना रहता है, अगर लोकसभा में बहुमत नहीं रह जाएगा तो मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगा, इसी के लिए वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिए कई बार कपन डाउट में जो है संसद लगा देते हैं कि संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद में जो मंत्री शामिल होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुमत प्राप्त दल के होते हैं इसलिए, क्योंकि उनका बहुमत कहाँ होता है, लोकसभा में होता है, इसलिए वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो मंत्री राज्यसभा का ही क्यों ना हो, तो वो उत्तरदायी होंगे लोकसभा के प्रति। थर्ड है मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा पॉइंट है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल न्यायालय नहीं कर सकता, ये कहीं भी आर्टिकल में नहीं बताया गया है, यानी आर्टिकल नंबर 75 में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1, 2 और 3। देख लीजिए यहाँ पर आर्टिकल 75 में जो पहला पॉइंट लिखा है 75 का 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इसलिए वो पॉइंट सही लिया गया है। दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए यहाँ पर, जो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है 75 का 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी ये भी पॉइंट 75 में बताया गया है। इसके अलावा जो इसका पॉइंट 6 है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद द्वारा निर्धारित की जाए, यानी वो पॉइंट भी सही था, इसी के लिए हमने 1, 2, 3 लिया है। देख लीजिए जांच पड़ताल वाला पॉइंट कहीं भी नहीं लिखा है, तो आप केवल यहाँ तक ही नहीं देखिएगा, आप इस क्वेश्चन के अलावा यहाँ से पॉइंट और देखिएगा, क्योंकि 75 आर्टिकल से क्वेश्चन 2 बार पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये भी 75 आर्टिकल में लिखा है, और कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है वह उस अवधि के समाप्त होते ही जो है मंत्री नहीं रहेगा, ये भी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी पॉइंट लिखा है उसको आप गौर से देखिएगा, पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? आप अपना आंसर जो है नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है, तो अधिसूचना अगर जारी हो गई है और उसके बाद लोकसभा विघटित होती है तो किसी भी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को टाला नहीं जा सकता, अगर क्योंकि विघटित हो गई है लोकसभा, तो ऐसी स्थिति में जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो जो लोकसभा के पुराने सदस्य होते हैं वही वहां पर मौजूद होंगे और वही मतदान में भी हिस्सा लेंगे उस विधेयक से संबंधित पारित करने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर विधेयक पारित भी हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है कि वो विधेयक को रोक दे, क्योंकि लोकसभा विघटित हो गई है, तो एक्चुअल में राष्ट्रपति नई लोकसभा का जब गठन होगा तो उनकी सिफारिश पर वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कार्य करेगा, इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन को इसलिए नहीं रोका जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति के पास आखिर में वीटो पावर होती है कि उसको रोक ले, इसी के लिए यहां पर इसका आंसर होगा संयुक्त सत्र जो है यथा समय आहूत होगा। आप यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट देखिए, 5वां नंबर का पॉइंट है 108 का, सबसे आखिरी में लिखा है सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक पारित हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस या किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान होती है? तो इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, पहला संविधान संशोधक विधेयक को पूरा स्थापित एवं पारित करना, सेकंड बोला उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, और तीसरा है सभी 3 प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना। तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए क्या होना चाहिए इसमें आपके हिसाब से, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट बोला है संविधान संशोधन विधेयक को पूरे स्थापित एवं पारित करना, तो आपको पता ही है कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए हम कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, यानी राष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा संविधान संशोधन विधेयक के लिए, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन से अलग-अलग पारित होना जरूरी है, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा,
ठीक है, तो विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन से पारित होना जरूरी है, यानी यहां पर दोनों सदन की शक्तियां बराबर है, इसलिए यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों शक्ति बराबर है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट बोला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी लोकसभा के समस्त सदस्य भाग लेते हैं चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, और राज्यसभा के भी समस्त सदस्य भाग लेते हैं चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, यानी यहाँ दोनों सदन के सदस्य भाग ले रहे हैं, यानी यहाँ भी शक्तियाँ दोनों की समान है। तीसरा बोला है सभी तीन प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना, यानी हमारे यहाँ तीन तरीके का आपातकाल लग सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो तीनों ही आपातकाल जब भी लगेगा तो उसमें आपातकाल की घोषणा के बाद उसे संसद के दोनों सदनों से उसको पारित करवाना पड़ता है, यानी यहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति अनिवार्य है, यानी इनकी भी शक्ति समान है। लेकिन आपातकाल को वापस लेने की बात हो तो लोकसभा को ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा की अपेक्षा, तो इसी के लिए, क्योंकि यहां पर केवल बोला उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना, यानी आपातकाल को लागू करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए दोनों की शक्ति बराबर है, इसलिए इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने हेतु किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा बोला है उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और तीसरा बोला है जिस राज्य से उसे निर्वाचित होना है उसे उस राज्य का विशेष मतदाता होना चाहिए। तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यानी यहाँ पूछा है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उनमें, तो पहली बात वह भारत का नागरिक हो जरूरी है, चाहे वो लोकसभा को या राज्यसभा का भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरा बोला उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है जबकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होती है, यानी दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा बोला है जिस राज्य से उसे निर्वाचित होना है उसे उस राज्य का विशेष मतदाता होना चाहिए, ये पॉइंट भी गलत है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मनमोहन सिंह रहने वाले दिल्ली के थे और पहले पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन वो जब है अभी राजस्थान से मेंबर बने हैं, तो राजस्थान के राज्यसभा सीट के मेंबर बने तो राजस्थान के तो रहने वाले नहीं हैं, यानी उन्हें केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत में जो भी है उनकी मतदाता सूची बनी, किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, तो यानी कहीं के भी मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है जिस राज्य से उसे निर्वाचित होना उसे उस राज्य का विशेष मतदाता होना चाहिए, ऐसा नहीं होता कहने का यहाँ पर, क्योंकि तीसरा पॉइंट कहने का मतलब है अगर कोई राज्य छत्तीसगढ़ से मान लीजिए राज्यसभा का मेंबर बनता है तो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है, किसी को भी छत्तीसगढ़ से निर्वाचित करके भेजा जा सकता है राज्यसभा के लिए, तो तीसरा पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निर्णायक मत किसके द्वारा मतदान की शक्ति के उपयोग को संदर्भित करता है, यानी निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास होती है और कौन करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति करेगा निर्णायक मत का प्रयोग। सेकंड बोला संसदीय गतिरोध की स्थिति में किसी सदन के मनोनीत सदस्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। तीसरा बोला समान वोट प्राप्त करने की स्थिति में किसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाता है। और फोर्थ बोला संसद की प्रथम बैठक के दौरान प्रोटेम स्पीकर इसका प्रयोग करता है। तो आप अपना आंसर दे दीजिए, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी, समान वोट प्राप्त करने की स्थिति में किसी सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला वोट। तो देखिए, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो सदन का पीठासीन होता है, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो, बाद में लोकसभा उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा का सभापति हो या राज्यसभा का उपसभापति हो, जब कोई भी व्यक्ति पीठासीन बनता है यानी सदन की अध्यक्षता करता है तो उसको पहली बार में वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जब मतों की बराबर की स्थिति आ जाती है तो उसे मत देने का अधिकार होता है और वही वोट उसका कहलाता है निर्णायक वोट। तो इसका आंसर है सी। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि निर्णायक वोट का प्रयोग कब कब होता है। देखिए, अगर कोई भी सदन में किसी को हटाने का प्रस्ताव लाया जाए या किसी को उसमें मतदान के जरिए उसको निर्वाचित करने का के लिए मतदान करवाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पीठासीन अधिकारी होता है वो निर्णायक वोट नहीं दे सकता। याद रखिएगा कि अगर किसी को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाए
या किसी को पद में बैठाने का प्रस्ताव लाया जाए, यानी निर्वाचित करने का प्रस्ताव लाया जाए, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे कि आपको संसद में पता ही है, पदों से हटाने की प्रक्रिया बहुत सारी होती हैं, ठीक है। जैसे पदों से हटाया जा रहा है, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, या न्यायाधीशों को हटाया जा रहा है, या किसी का चुनाव कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर रहे हैं या उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग कर रहे हैं, यानी किसी को पद में बैठा रहे हैं या किसी को पद से हटा रहे हैं, तब वो व्यक्ति जो पीठासीन होता है वो कभी भी मतदान मतलब निर्णायक वोट का प्रयोग कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी को भी पद से हटाने या बैठाने के लिए निर्णायक वोट का प्रयोग कभी भी नहीं होता। इसके अलावा किसी भी प्रकार का विधेयक हो, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव हो, या किसी भी प्रकार का संकल्प लाया जाए सदन में, तो उसमें पीठासीन अधिकारी सामान्य स्थिति में वोट नहीं देता, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में निर्णायक वोट देता है, यानी विधेयक के संबंध में, विभिन्न प्रस्ताव के संदर्भ में और आपके जो विभिन्न संकल्प लाए जाते हैं उसके संदर्भ में पीठासीन अधिकारी को निर्णायक वोट देने की छूट होती है। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकारी या प्राधिकारियों को संसद के किसी सदस्य की निर्हरता पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, सदन के पीठासीन अधिकारी को, भारत के निर्वाचन आयोग को? तो देखिए यहाँ पर आप अपना आंसर यहाँ नोट कर लीजिए, मैं इसको डिटेल से बताता हूँ आपको। अगर किसी भी सदन के सदस्य की निर्हरता का प्रश्न उठता है, यहाँ पर बात हो रही है संसद के मुख्य रूप से, क्योंकि राष्ट्रपति लिखा है, यानी बात हो रही है संसद के सदस्य के लिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा है। तो संसद के सदस्य की निर्हरता वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 102 है, जिसमें संसद के सदस्य की निर्हरता बताई गई है, यानी उसको कैसे पद से किस कारण से हटा सकते हैं। जैसे कोई लाभ का पद धारण कर लेता है तो वो निर्हरता उसमें आ जाती है, कोई दिवालिया घोषित हो जाता है तो निर्हरता आ जाती है। तो इन प्रकार की निर्हरताओं का जो प्रश्न का निर्णय करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो परामर्श लेता है चुनाव आयोग से या निर्वाचन आयोग से। लेकिन निर्वाचन आयोग का जो परामर्श है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है होता मुख्य रूप से, लेकिन वो सलाह जरूर लेता है। तो क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का निर्णय लेते हैं, यानी पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है भारत के राष्ट्रपति को। दूसरा पॉइंट है सदन के पीठासीन अधिकारी को। देखिए एक निर्हरता जो होती है वो दल बदल कानून के तहत भी होती है। जब दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की निर्हरता आती है तो उसका निर्णय जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है वो लेता है। जैसे लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति लेगा। यानी अगर दल बदल कानून के तहत किसी सदस्य की निर्हरता आती है तो उस पर जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो पीठासीन अधिकारी को होता है, यानी दूसरा पॉइंट भी सही है। और तीसरा पॉइंट बोला भारत के निर्वाचन आयोग को, तो निर्वाचन आयोग को कोई भी निर्हरता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, केवल राष्ट्रपति उसे सलाह लेता है, लेकिन वो भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसी के लिए इस क्वेश्चन का जो निर्हरता वाली क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका 1 और 2। 1 और 2 इसका आंसर है, यानी डी इसका आंसर आएगा। अगला हम देखते हैं। संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दें। पहला बोला है राज्यसभा धन विधेयक को प्रारंभ, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। दूसरा बोला है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती ना कि राज्यसभा के प्रति। और तीसरा बोला राज्य सूची से संघ या समवर्ती सूची में मामलों के हस्तांतरण के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है अपना आंसर दे लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बोला राज्यसभा धन विधेयक को प्रारंभ, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा से जब पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको अस्वीकृत नहीं कर सकती कि अगर संशोधन करना चाहे तो केवल लोकसभा से सिफारिश कर सकती है। उस संशोधन का अगर लोकसभा मानती है तो ठीक, नहीं भी मानेगी तो उसको पारित माना जाता है, यानी पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती ना कि राज्यसभा के प्रति। अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिटेल में बताया था लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, यानी दूसरा पॉइंट भी सही है। और तीसरा पॉइंट बोला है राज्य सूची से संघ या समवर्ती सूची में मामले के हस्तांतरण के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो कल भी मैंने आपको बताया था राज्य सूची से संबंधित कुछ कानून में बदलाव लाना है या संसद के पास उसमें कानून डालने का कोई प्रावधान देना है तो सबसे ज़्यादा पावर होती है राज्यसभा के पास। आर्टिकल 249 में जब तक राज्यसभा बताया गया है
जब तक राज्यसभा परमिशन नहीं देती संसद को राज्य सूची में कोई कानून बनाने या उसको ट्रांसफर करने का, तब तक वो ऐसा कानून संसद नहीं बना सकती। तो इसमें बोले हस्तांतरण के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं, जो कि गलत है। राज्यसभा जब तक स्वीकृति नहीं देगी तब तक ये हो ही नहीं सकता। यानी इसका भी आंसर है बी, 1 और 2 सही है। अगला हम देखते हैं, संसद के सदनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सेकंड बोले, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो प्राप्त है किंतु राज्यसभा में नहीं। और तीसरा बोला है, राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक स्थायी सदन है। तो यहाँ पर देखिए, पहला आप अपना आंसर तो पहले नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट बोला है लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही है, जनता इनके लिए वोट देती है। जबकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं क्योंकि जनता जिनको विधायक बनाती है वह विधायक अपने बीच से ही, मतलब अपने वोट से ही राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, यानी उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा बोला है, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो प्राप्त है, यानी हर केंद्र शासित प्रदेश के लोग जो है सांसद के लिए वोट देते हैं किंतु राज्यसभा में नहीं है, सही है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य जैसे कि मैंने बताया विधानसभा के ही सदस्य चुनते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी खुद की विधानसभा है। इसी के लिए वह केवल दो ही ऐसे विधान, मतलब क्योंकि दो ही केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी विधानसभा है, तो वो इसलिए वह राज्यसभा के सदस्य चुनने की पावर भी केवल यही दो विधानसभा को है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश को कोई पावर नहीं है। यानी यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो लिखा है, प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्राप्त है किंतु राज्यसभा में नहीं, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर वाला भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए केवल इसको बताएं। तीसरा है, राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा के विपरीत लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है, बल्कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होते हैं। इसके अलावा जो है लोकसभा समय से पहले भी विघटित कर दी जाती है या हो सकती है, इसलिए लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। यानी तीसरा पॉइंट गलत है, इसका आंसर है बी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने हेतु किसी व्यक्ति को होना चाहिए। पहला बोला है नियुक्ति के समय संसद का सदस्य, और दूसरा बोला है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अनुशंसित। यानी यहाँ पर अगर केंद्रीय मंत्री परिषद का किसी को भी मंत्री बनना है तो नियुक्ति के समय वो संसद का सदस्य, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना सकती है जो संसद का सदस्य ना हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ना हो। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है तो उसको अपने पद धारण करने के 6 माह के भीतर संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, वरना उसका मंत्री का पद जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी नियुक्ति के समय संसद का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, यानी पहला पॉइंट गलत है। और दूसरा पॉइंट बोला है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति का अनुशंसित, तो प्रधानमंत्री जिसको भी बोलेगा मंत्री बनाने, राष्ट्रपति उसी को मंत्री बनाता है। यानी दूसरा पॉइंट सही है, इसका आंसर है बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, महान्यायवादी, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री का नेतृत्व करते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री अगर आप बोलो तो प्रधानमंत्री, और उसका जो खास मंत्री होते हैं जिसके पास प्रमुख मुख्य पूरा कार्यभार होता है, मंत्रालय होता है, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, और राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्री दोनों को सहायता देने के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो दोनों सदन में जाकर बोल सकते हैं, लेकिन वो अपना वोट वहीं पर देंगे जिस सदन के वो सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री भी दोनों सदन में जाकर बोल सकता है, तो क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और वोट वहीं देगा जिस सदन का वो सदस्य है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी दोनों सदन में जाकर बोल सकते हैं, लेकिन वोट वहीं देंगे जहाँ के वो सदस्य हैं। लेकिन जो महान्यायवादी होते हैं ये भी दोनों सदन में जाकर बोल सकते हैं, लेकिन वोट वहीं देंगे, या क्योंकि वोट दे के ही के सदस्य हैं नहीं तो वोट ये तो देंगे ही नहीं। तो इसका आंसर अगर आप देखोगे तो क्योंकि दोनों सदन में बोलने का अधिकार बोला है, तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4, चारों को ही बोलने का अधिकार है। लेकिन जो इसमें से तीन हमने देखा, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री,
ये तो दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य होंगे तो वहां वोट देंगे, लेकिन महान्यायवादी दोनों के ही सदस्य नहीं होता तो केवल बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता। तो महान्यायवादी को बोलने का अधिकार क्यों दिया गया है? मान लीजिए संसद में कोई भी सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो, और कोई सरकारी विधेयक का कोई सदस्य विरोध करता है कि इसमें जो है ये संसद के कानून बनाने के क्षेत्र से बाहर का विधेयक है, क्योंकि संसद उन्हीं में कानून बना सकती है जिसमें उसको अधिकार दिया गया है। यानी अगर उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर संसद कानून बनाने की कोशिश करती है और कोई सदस्य उसका मतलब वहाँ अपील करता है, तो महान्यायवादी सरकार का पक्ष रखने के लिए संसद में आता है और वह अपना सरकार का पक्ष रखता है कि ये विधि के अनुकूल ही है, ये पूरा जो नियम बनाया जा रहा है। तो सरकार का पक्ष रखने के कारण महान्यायवादी को दोनों सदन में बोलने का अधिकार होता है। इसलिए इसका आंसर डी 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं, निर्वाचन की दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जनता तो वोट देने नहीं जाती, और क्योंकि इनके लिए वोट कौन देता है? लोकसभा, राज्यसभा और हमारी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, हमारी विधानसभा की सभी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट देते हैं। वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है यानी जनता वोट देती है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होते हैं यानी जनता वोट देती है, विधान परिषद के लिए जनता वोट नहीं देती, ये भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 6 इनकी संख्या ज़्यादा है, ये जो है अप्रत्यक्ष रूप वाले हैं, जबकि 4 और 5 यही दोनों अलग है, ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं। तो इनमें से जो है अलग कौन सा पूछा गया? तो 4 और 5 अलग है क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्टेड है, बाकी सब इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, इसलिए इसका आंसर है C 4 एंड 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला बोला है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यवगत हो जाता है यानी लैप्स हो जाता है, और दूसरा बोला है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सत्रावसान का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं संसद के, सबसे पहले जो होता है बजट सत्र, फिर आता है मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र तीसरा होता है। तो जो 2 सत्र के मध्य की जो अवधि रहती है हाँ, तो उसको बोला जाता है अवकाश, जबकि 1 सत्र जब खत्म होता है, जैसे बजट सत्र आया, बजट सत्र का जो आखिरी दिन होता है ठीक है, उस दिन जो लोकसभा, मान लेते हैं लोकसभा की बात करते हैं, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित का कहने का मतलब है वो आखिर जिस सदन की जिस दिन आखिरी आखिरी बैठक होती रहती है उस दिन वो सदन को स्थगित करेगा, लेकिन ये नहीं, डेट नहीं बताएगा कि अगली बैठक कब लगेगी। तो इसको बोलते हैं अनिश्चित काल का स्थगन, और अनिश्चित काल के स्थगन के बाद ही राष्ट्रपति जो है घोषणा करता है कि इस सत्र को खत्म किया जा रहा है। तो ये सत्र को खत्म करना सत्रावसान कहलाता है, और अगर यहाँ पे सत्रावसान होता है तो किसी भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 सत्र अगर खत्म होता है तो दूसरे सत्र में वो विधेयक पर पुनः चर्चा हो सकती है, यानी वो जो भी विधेयक है वो कभी लैप्स नहीं होगा। तो इसमें पहला पॉइंट बोला है लोकसभा में से लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर लैप्स हो जाता है, गलत है। दूसरा बोला है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किए है लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर राज्यसभा में अभी वो लंबित विधेयक है यानी राज्यसभा उसमें चर्चा कर रही है, अभी तक राज्यसभा ने उसको पारित ही नहीं किया है, अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया है तो वो लोकसभा तो आएगा ही नहीं। तो यही बोला है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया यानी वो अभी तक लोकसभा में आए ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा चर्चा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो विधेयक का क्या होगा, क्योंकि अभी राज्यसभा चर्चा कर रही, लोकसभा तो आए ही नहीं है, तो लोकसभा के विघटन होने पर भी उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं आएगा क्योंकि लोकसभा तो विधेयक अभी पहुंचा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि राज्यसभा में विधेयक है अभी, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा विघटित भी हो जाती है तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो दूसरा पॉइंट है विघटन पर व्यवगत नहीं होगा वो सही पॉइंट है, इसलिए इसका आंसर है B केवल 2। अगला क्वेश्चन क्या आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपको इससे संबंधित निर्णायक वोट से संबंधित डिटेल में आपको वहां पे बताया भी था। तो लोकसभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, कब कब नहीं कर सकता, ऑप्शन के हिसाब से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो अगले वीडियो में मैं इसको भी कवर करूंगा ही, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।